वन मतलब सामने वाले को यहां से घुमा दिया, ये यहां थे ना यहाँ पे। अगर हम लोग इस तरह से भी करते हैं यहाँ पे रख के, ये वन टन कहाँ पे, ए एल्बो वन यहां से, एल्बो को यहां से पकड़ लेना है, हल्का से नजदीक चले जाना है, लाइक पापा का अगेन वन, मेरे को धक्का दे दो लाइक दी वन वन ट्विस्ट। क्या करता है बॉडी को ट्विस्ट करता है, जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो एल्बो है ना, और ये मूवमेंट ये ज्यादा समय तक ये यहां से पेन होता है इस जगह से, क्योंकि ये बॉडी यहां से ट्विस्ट हो रही है ना यहाँ पे, लाइक है कि नहीं, कहाँ पे पेन होता है ना। तो ये टर्निंग करते समय ही देख लेना है कि भाई ये टर्न कैसे हो रहा है। जब भी आप कभी ऐसे करते हो तो ध्यान रखना है कि वो हैंड स्ट्रेट नहीं हो, अगर वो हैंड स्ट्रेट हुआ तो ये टेक्निक काम नहीं करती है। वो हैंड इस तरह से फोल्ड रखना है, सामने वाले का हैंड फोल्ड होना चाहिए, जैसे एक सिंगल हैंड से पकड़ा हुआ सामने वाले का हैंड क्या करना है, इसे फोल्ड कर लेना है, फोल्ड। तो मैंने पहले क्या किया था, उसको फोल्ड किया था, यहाँ पे हाथ रखा था और इसको फोल्ड किया था, चले आप शोल्डर पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, कुछ नहीं, भारी से भारी इंसान भी इसे टर्न हो जाता है, कितना भी उसका शोल्डर भी टाइट होगा ना, तो यहां से ट्विस्ट देते समय वो उसको दोनों हाथ से टर्निंग कर लेता है। सेकेंड पार्ट में क्या किया था कि भाई दोनों हाथ से उसके शोल्डर को पकड़ा है, और कभी कभी क्या करते हैं कि सामने वाला इस तरह से हम लोग को हिला देता है कभी कभी तो वो जूस बनाता है ना, तो लाइक जूस बनाने जैसा भी होता है, लेकिन एक्चुअली में सामने वाला जैसे यहाँ पे ऐसे करा क्या है, लाइक दिस, तो मूवमेंट में क्या होता है कि हम लोग को इस तरह से धक्का वक्का दे रहा है, हाँ तो कैसे करना है, जैसे लाइक हाँ लाइक दिस, हाँ लाइक, लेकिन उसके लिए बहुत मस्त है, क्या करना है, ये हाथ को इधर दोनों हाथ से पकड़ लेना है ऐसे, ओके देन, और हल्के से बैठ जाना है, बैठना आता है, कैसे बैठते पता है, ऐसे बैठ जाते हैं, उसको मत बैठाना, वो बैठ गया तो चलेगा, नहीं बैठे तो चलेगा, अपन बैठ जाना है, देखो यहाँ पे टर्न लिया और बैठ गए, देखो बैठना आना चाहिए सही तरीके से, कोई भी बैठ सकता है, आप बैठ जाना बस, खाली आप बैठना मतलब आपका वेट देना नीचे की ओर, कि वो कितना भी ताकतवर रहेगा तो सामने वाले का वेट जो है, वेट देने से वो क्या होगा, वो डाउन हो जाएगा, समझ में। हम लोगों ने हमेशा बोला है कि भाई सामने वाले को वेट और स्पीड ये दोनों बहुत जरूरी होती है, स्पीड और वेट मतलब प्लस स्पीड प्लस वेट, स्पीड प्लस वेट क्या आएगा, स्पीड प्लस वेट पावर है ना, पावर, हाथ में वेट है और हैंड की स्पीड है, तो उससे कौन सी एनर्जी निकलेगी ना, कोई तो एक एनर्जी तैयार होगी फोर्स और स्पीड की, समझ में, गुड। और सेकंड पार्ट हम लोग आगे बनाने वाले हैं, तब तक के लिए बाय बाय।